हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमको साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके बारे में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और शॉर्ट मेथड से, ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक ट्रिक से हजारों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। और पहला लेसन हमने लिया है बल। क्या लिया है? बल। और इसको समझेंगे और ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि बल होता क्या है। तो बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे। अब देखिए, डेफिनेशन का आशय क्या है। डेफिनेशन का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु पे हम बल लगाएं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं, अगर उस पे लगने वाला जो बल है, अगर उससे हम अधिक मात्रा में बल लगाएंगे तभी वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। यदि जो उस पे स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, अगर उससे हम कम बल लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन जो हम बल लगाएंगे वो परिवर्तन करने की कोशिश जरूर करता है। क्या करता है? कोशिश जरूर करता है, लेकिन परिवर्तन डिपेंड होता है कि हम उससे ज्यादा बल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो ये हमारी बल की डेफिनेशन होती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि एसआई यूनिट क्या है बल का। तो हमारा एसआई यूनिट जो होता है तो हमारा होता है न्यूटन, जिसको हम यन से डिनोट करते हैं। और अगर सीजीएस में पूछे तो सीजीएस में हमारा होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन होता है। तो 1 डाइन बराबर 10^-5 न्यूटन होता है। अब देखेंगे बल के प्रकार और एक एक करके उनको पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे बल है, जैसे कह रहा है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, आसंजक बल, ससंजक बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकत्व बल। और भी बल होते हैं लेकिन उनका खुद का एक चैप्टर होता है, जैसे गुरुत्व बल का भी अपना एक चैप्टर होता है। तो हम ऐसे बलों के बारे में पढ़ेंगे जो जिनका खुद का चैप्टर होता है उनको उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनका चैप्टर खुद का नहीं होता उनके बारे में हम जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं, पहला हमारा दिया गया बल जो है अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल क्या होता है, इनसे बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। तो देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है उनको समझेंगे। तो देखिए, अगर इनका नाम पढ़े तो हमको क्या मिल रहा है? केंद्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है? केंद्र। अब जब केंद्र मिल जाता है तो केंद्र किसमें मिलता है? हमारा केंद्र हमारा मिलता है किसमें? किसी सर्कल में। सर्कल में हमारा क्या मिलता है? केंद्र मिलता है। तो देखिए, अगर हम केंद्र की बात करें तो मतलब कि कोई एक वृत्ताकार क्या होगा? पथ होगा। ये हमारा क्या है? एक पथ है जो कैसा है? वृत्ताकार है। अब इसमें एक हमारा क्या होगा? कोई केंद्र होगा। इस फोर्स के नाम में ही केंद्र आया हुआ है। तो इससे हम समझेंगे दोनों हमारे कुछ दोनों डेफिनेशन इसी से निकलेंगी और सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, इसी ट्रिक से। तो देखिए, यहां पे आया क्या? केंद्र। और बात क्या कह रहा है? अभिकेंद्री बल। अभि का मतलब क्या होता है? अभि का मतलब याद रखिएगा, अभि का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। और अप का मतलब होता है बाहर। अप का मतलब होता है क्या? बाहर। बस दोनों की डेफिनेशन निकल आए। देखिए, जब बल केंद्र की ओर, बाहर से बल केंद्र की ओर लगे, किधर लगे? बाहर से कोई बल केंद्र की ओर लगे, कहां की ओर लगे? केंद्र की ओर लगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या?
अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल बोलते हैं। और जब केंद्र से बाहर की ओर लगे, केंद्र से किधर लगे, बाहर की ओर लगे, तो उसको बोलते हैं हम क्या? अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। अगर बाहर से केंद्र की ओर लगेगा तो अपकेंद्री बल होगा, और जब अंदर से बाहर की ओर लगेगा तो अपकेंद्री बल। मतलब बाहर से जब अंदर की ओर लगे, मतलब केंद्र की ओर लगे, तो उसको हम बोलते हैं अपकेंद्री बल, और जब केंद्र से बाहर की ओर लगे तो उसको बोलते हैं हम अपकेंद्री बल। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, यही डेफिनेशन होती है, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया। आप देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमको जवाब कैसे देना होता है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, बनता है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में कौन सा बल लगता है। तो अब इसका आंसर हम कैसे दें, तो आपको मालूम है कि चक्रवात को बोला जाता है क्या? क्लॉकवाइज, और प्रतिचक्रवात को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मतलब कि चक्रवात, तो पहले हम चक्रवात में देखें कौन सा बल लगता है। तो ये हमारा आया चक्रवात, तो चक्रवात जो होता है हमारा क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा, ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब कि क्या हुआ कि बल बाहर से लगा, कहां से लगा? बाहर से, इस तरीके से, यहां से बल लगा, और लगने के बाद ये एक वृत्ताकार पथ बना, और बनने के बाद यहां केंद्र पर पहुंचा। कहां पे पहुंचा? केंद्र पर पहुंचा। तो ये हमारा चक्रवात का, चक्रवात इस तरीके से चलता है, किस तरीके से? क्लॉकवाइज तरीके से। तो हमारा जो बल लगा तो किस तरफ लगा? बाहर से चला, और चलने के बाद जाकर कहां पे लगा? केंद्र पर लगा, केंद्र पर लगा। तो मैंने अभी आपको बताया था बाहर से जब केंद्र की ओर बल लगता है तो इसका मतलब कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। तो इसका मतलब चक्रवात में कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्री बल लगेगा। क्या लगेगा? अपकेंद्री बल लगेगा। ये आपका चक्रवात का आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रतिचक्रवात में कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिचक्रवात का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा चक्रवात में लगा अभिकेंद्री बल। अब प्रतिचक्रवात का मतलब क्या होता है? उल्टा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब केंद्र से चला, और केंद्र से चलने के बाद बाहर की ओर लगा, मतलब कि जो बल चला तो वो कहां से चला? केंद्र से चला, और चला कहां की ओर? बाहर की ओर। तो इसका मतलब जब केंद्र से बल लगा और बाहर की ओर गया, तो इसका मतलब जब केंद्र से लगा और बाहर से ओर गया, तो इसका मतलब यहां पे मैंने आपको समझाया था कि केंद्र से लगने से जब बाहर की ओर जाता है तो उस बल को हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल बोलते हैं। तो इसका मतलब प्रतिचक्रवात में कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्री बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्री बल लगेगा, क्योंकि केंद्र से लगता है बल और बाहर की ओर जाता है, इसलिए अपकेंद्री बल, और जब बाहर से केंद्र की ओर लगेगा तो अपकेंद्री बल। ये क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया? जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको समझेंगे। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन तीन प्रकार के बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो देखिए। वॉशिंग मशीन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलते समय कौन सा बल लगता है। तो देखिए वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जब हम कपड़ा डालते हैं तो वो चारों ओर कपड़े को क्या करती है? ऐसे घुमाती है, और घुमाने के बाद अंदर की ओर क्या करती है? कपड़े को ले जाती है। इसका मतलब बाहर से कोई बल लगा और अंदर की ओर लगा, कहाँ की ओर लगा? अंदर की ओर लगा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपड़ा धुलते समय वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लगता है,
तो कपड़ा धुलते समय हमारा कौन सा बल लगेगा? कपड़ा, कपड़े को धुलते समय, कपड़ा धुलते समय लिख सकते, कपड़ा धुलते समय, तो कपड़ा धुलते समय कौन सा बल लगेगा? धुलते समय, तो अगर ये पूछा जाए कि कपड़ा धुलते समय कौन सा बल लगता है, तो आपको एक बात याद रखना है कि वॉशिंग मशीन पहले कपड़े को चारों ओर घुमाती है, घुमाने के बाद अंदर की ओर ले जाती है। इसका मतलब बाहर से कोई बल लगता है और अंदर की ओर बल लगता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री बल। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर को दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कपड़ा सुखाते समय वॉशिंग मशीन के ड्रायर में जब कपड़ा सुखाया जाता है तो वो क्या करता है? चारों ओर घुमाता है, घुमाने के बाद ऊपर की ओर फेंकता है, मतलब बाहर की ओर फेंकता है कपड़े को, तब कौन सा बल लगेगा? तो याद रखिएगा, कपड़ा सुखाते समय, कपड़ा सुखाते समय, सुखाते समय अपकेंद्री, मतलब अंदर से बाहर की ओर फेंकता है, तो कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्री बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछता है, ना तो आपसे धुलने की बात करेगा ना तो सुखाने की बात करेगा, सीधा बोल देगा कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको सीधा आंसर दे देना है, अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। किस बल पर? अपकेंद्री बल पर, अपकेंद्री बल पर। ये हमारा तीनों आंसर आपके मिल गए वॉशिंग मशीन से बनने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। कह रहा है दही से मक्खन निकालना, कह रहा है दही से जब मक्खन निकाला जाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो देखिए, जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो हम पहले क्या करते हैं, इस तरीके से मथते हैं। मथने के बाद क्या होता है, जो मक्खन होता है वो बाहर की ओर आता है, मतलब कि ऐसे जब मथे तो केंद्र बना, केंद्र के बनने से मक्खन क्या होता है, बाहर की ओर गिरता है, तो बाहर की ओर गिरता है, तो इसका मतलब केंद्र से बल लगने के बाद बाहर की ओर आता है, तो मतलब जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है तो इसका मतलब कौन सा बल होगा? अपकेंद्री बल होगा। कौन सा बल होगा? अपकेंद्री बल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मौत का कुआं में जो राइडर होता है, जो गाड़ी चलाता है, वो अंदर झुका कर गाड़ी चलाता है, तो कह रहा है उस पे कौन सा बल लगता है? तो अब ये बात बताइए, जब केंद्र की ओर झुक करके बल गाड़ी चला रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब बाहर से कोई बल लग रहा है और जो राइडर है वो केंद्र की ओर झुक रहा है। किसकी ओर झुक रहा है? केंद्र की ओर। तो बाहर से बल लगा और कहाँ की ओर लगा? केंद्र की ओर लगा। बाहर से बल लगा और कहाँ की ओर लगा? केंद्र की ओर लगा। इसका मतलब मौत के कुएं में जो राइडर होता है उस पे कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है, क्योंकि बाहर से केंद्र की ओर लग रहा है, तो बाहर से जब केंद्र की ओर लगेगा तो अब केंद्रीय बल होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, हजारों क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं एक ट्रिक से। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। तो ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ज्वार और भाटा जिसको टाइड एंड इब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइड एंड इब। तो अब देखिए, ज्वार क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, समुद्र है। समुद्र से जल क्या होता है, जब ऊपर की ओर जाता है, कहाँ की ओर जाता है? ऊपर की ओर। तो इसका मतलब केंद्र से बल लगा कहाँ की ओर? बाहर की ओर लगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वार। तो ज्वार जो होता है क्या होता है कि केंद्र से जब जल क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो इसका मतलब कौन सा बल लगेगा? जब केंद्र से बल लगा तभी तो ऊपर की ओर गया, और जब ऊपर की ओर गया तो मतलब बाहर की ओर गया, और बाहर जब मतलब केंद्र से कहाँ की ओर गया? बाहर की ओर गया। इसका मतलब जो ज्वार होगा उस पे कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्री बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्री बल कार्य करेगा। और जब भाटा की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे मतलब बाहर से कोई बल लगा और कहाँ की ओर लगा? केंद्र की ओर लगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। और उस पे बल कौन सा लगेगा? बाहर से जब अंदर की ओर बल लगेगा तो उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल।
तो इस ट्रिक से आपके हजारों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आज हमने अपकेंद्री और अपकेंद्री आपको समझा दिया। अब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। दूसरी क्लास में हम दूसरे बलों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के बारे में आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो साइंस की क्लास ऐसे ही स्टार्ट रहेगी। थैंक यू।